गोंदू आटा उसका। हाँ अभी चलो चाय भाई पीला, फिर मैं आटा गूंद देता हूँ। मुझे बता देना कैसे गूंदना, जल्दी से गूंदू। और हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? मैं अनुराग वर्मा करता हूँ आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिगी फ्रेंड में। आज है 25 मार्च 2022 और दिन है शुक्रवार का। थैंक गॉड इट इज फ्राइडे, कल आने वाला है सैटरडे और देन संडे। सो आज जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी डेट है कल के लाइव में, तो हाँ मैं डेट से भी वापस आया हूँ और आए हुए हो गया लगभग मुझे आधा घंटा। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख लग रही है और मुझे जाना है आज जिम थोड़ा लेट, 4:30 तक जाऊँगा और उसके बाद आकर के करेंगे लॉग इन भी। सो कुछ खा लेता हूँ, मम्मी बना रही है मेरे लिए खाने के लिए, तो मेरा ये लंच होने वाला है आज। लंच टाइम पर लंच करेंगे। सो लंच में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, किचन में जाकर खा पी कर थोड़ा करता हूँ रेस्ट, और उसके बाद बताता हूँ कि कोर्ट में क्या हुआ आज और आगे की मूवमेंट क्या है। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं, कुछ खाने का करते हैं जुगाड़ और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो मिलता हूँ आपसे कुछ ही देर में। ब्रेड डुबो के सुनना था बनाना। छोड़ो मुझे क्या पता आप तो बनाते हो, तो कच्चा भी तो रहता है अंदर। तो यहाँ पर वो उस जगह था मेरा लंच की तैयारी शुरू। तो मैंने यहाँ लंच में लिए थे एग्ज़ और साथ मम्मी ने बनाया था मेरे लिए जो है मूट का सैलड। तो मुझे जो है जैसे ब्रेड को बिल्कुल डिप करके पका लेते हैं एग्स के साथ, तो उस तरह से भी मुझे अच्छा लगता है ये, और स्पेशली जब मम्मी बताती है तो बहुत ही टेस्टी होता है ये। और ये बहुत ही यमी था। इसके साथ मैंने लिया था जो है मेरा मूट का सैलड जो कि खुद बहुत बढ़िया था। तो ये सब खा करके मैं थोड़ी देर सो गया था लगभग 1-1.5 घंटा, और उसके बाद जो है मैं जगा था और गया था जिम, और जिम जाता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से जिम से आ करके। सो हाय वेलकम बैक। सो मुझे जगे हुए हो गया थोड़ा सा टाइम, और थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम हो गया। इनफैक्ट अभी लगभग हो रहे हैं 6 बज रहे हैं और मैं जाग गया था 3:30 के आसपास, और उसके बाद मैं जो है अपना जिम भी हो आया हूँ और अब नहा कर मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने लॉग इन की। और जो आज का हमारा दिन रहा है कोर्ट का, सो कोर्ट का जो है आज की एक्सरसाइज अभी क्या बोल सकते हैं, जैसे कोर्ट्स में अभी फिर से कोरोना के बाद जो है कोर्ट की प्रोसेसेस शुरू हुई हैं। सो अभी भी सिर्फ फाइलिंग वगैरह ही हो रही है। सो जो मेरी क्वेश्चनिंग है, क्रॉस क्वेश्चनिंग जो मेरी होनी है, अब वो होनी है अब 30 मार्च को, यानी कि नेक्स्ट वीक है वो डेट। और दो मेरी अब क्रॉस क्वेश्चनिंग है, जैसे आज दो डेट्स थी तो अब दो क्रॉस क्वेश्चनिंग है मेरी, जो दोनों होंगी 1 30 को और 1 31 को। सो अगले हफ्ते 2 दिन होने वाले हैं बहुत भागदौड़ वाले, और फिर से जो है लॉयर को मिलने जाना होगा, थोड़ा सा तैयारी करनी होगी, सभी लोग करते हैं। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम विच आई हैव टू अपेयर फॉर, बट विच इज ओके। आज का दिन बहुत अभी तक तो नॉर्मल सा जा रहा है। तो चलो बाहर लेकर चलता हूँ आपको, वहाँ बच्चे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, सो मैं वो रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों को वो दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं बाहर और लेते हैं गली क्रिकेट के कुछ क्लिप्स। वैसे थोड़ा अंधेरा हो गया है सो क्लिप्स थोड़ी डार्क हो सकती है, बट चलते हैं बाहर, देखते हैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके उन बच्चों को खेलते हुए। तो अभी जैसे मैं बाहर गया था तो देखा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बट थोड़ा सा अंधेरा हो गया है बाहर और इस वजह से जो है फुटेज इतनी क्लियर नहीं आ रही, और मुझे थोड़ा सा नहाने धोने का टाइम हो रहा था, अदरवाइज मैं नीचे जाकर के इनको करता रिकॉर्ड, बट ये लोग रोज इस समय खेलते हैं। सो कल मैं नीचे जाकर के ना इनको करता हूँ रिकॉर्ड, अगर मुझे कल कहीं जाना ना हुआ तो। अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है, बट मेरे पास 2 दिन होंगे सैटरडे संडे, तो कल और परसों में नीचे जाएंगे इनको करेंगे रिकॉर्ड, अगर कोशिश करूँगा इन लोगों के साथ थोड़ा सा खेलें भी क्रिकेट और करेंगे उसको रिकॉर्ड।
और संडेज हम लोग खेलने जाना शुरू करने वाले हैं। जो मेरे कजिन वगैरह हैं, हम सारे भाई लोग जाएंगे, हमने एक ग्रुप बना लिया है, तो वो लोग तो जा रहे हैं दो संडेज से, बट मैं नहीं जा पा रहा। होपफुली इस संडे मैं भी उन लोगों के साथ थोड़ा सा खेलने जाऊँगा। सो अगर मैं खेलने गया तो मैं वहाँ पर करूँगा रिकॉर्डिंग। 90% है मैं खेलने जाऊँगा इस टाइम। और देखो मैंने जो शर्ट पहनी आज, कौन सी है ये देखिए, ये है ऑफिशियल सहारा इंडिया हॉकी टीम की शर्ट है। तो इस शर्ट की कहानी है एक, वो मैं आपको बताऊंगा। ये ओरिजिनल शर्ट है, ये देखें हॉकी इंडिया, इसकी कहानी आपको सुनाऊंगा जल्दी ही। गोंदू आटा उसका है अभी, चलो चाय वाय पी लो, फिर मैं आटा गूंद देता हूँ। मुझे बता देना कैसे गूंदना, जल्दी से गूंदू मारी थोड़ा सा, उतार के दूँ क्या कुछ। तो आज हम बात करें आटा गूंदने की, वो आटा गूंदना है और जो गुजिया बनानी है उसके लिए। तो गुजिया थोड़ी लेट हो गई है बट बनाएंगे हम जैसे बोला था। तो अभी उसका जो है आटा मैं गूंद लूँगा यहाँ पर। मम्मी पापा जरा चाय वाय पी ले, मैंने चाय अभी छोड़ दी है गर्मियों में। सो जरा ये चाय वगैरह का हो जाए सेशन, उसके बाद मैं जो है यहाँ पर गूंदूँगा वो जो आटा है जिससे कि बनेगी गुजिया। तो मोस्ट प्रॉब्ली आज हम लोग गुजिया की प्रोसेस को शुरू कर लेंगे। तो आटा गूंदना और वो सब जो है मैं करता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो भी बात हो रही थी आटा गूंदने की, मैंने कहा था कि मैं आटा गूंदूंगा गुजिया के लिए। तो वो आटा गूंदने का जो प्रोसेस है अभी वो थोड़ा सा हो गया डिले, बिकॉज मम्मी अभी खाना वगैरह बना रही है। तो मम्मी कह रही है कि वो आटा गूंदना थोड़ा सा, रुक कर जब मैं खाना वगैरह बना लूंगी तो हो सकता है मैं आपको कल के व्लॉग में देखूँ आटा गूंदते हुए। क्योंकि अभी मैं जल्दी से ये जो है व्लॉग को फिनिश करता हूँ और आप लोगों से जो है मिलता हूँ ऑन यूट्यूब। और साथ ही जो पीछे कल जो मैं लाइव आया था तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि शेफाली आ गई या नहीं आई। सो शेफाली अभी अपनी मम्मी के घर है और अभी वो नहीं आई है। एक्चुअली वेंसडे अतुल की छुट्टी थी तो अतुल को लेने जाना था उसे, शेफाली को जो है अतुल ने लेने जाना था। लेकिन जो है शेफाली के रिलेटिव्स में किसी की जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, जिसके कारण वो लोग वहाँ बिजी थे उस दिन। सो अतुल जो है लेने नहीं जा पाया उसे। सो मोस्ट प्रॉब्ली अब या तो ये जो संडे अब जो आएगा परसों, तब जो है शेफाली को हम लोग लेकर आएंगे, या फिर जब नेक्स्ट अतुल का जो भी वीकली ऑफ होगा तो अतुल जाएगा और लेकर के आएगा। वैसे हमें संडे जाना है वहाँ जहाँ पर मतलब जिनके यहाँ पर डेथ हुई थी। सो अगर आप लोग जानते हो तो उनकी क्रिया है, तो हमें क्रिया में वहाँ जाना होगा। सो अगर हमें टाइम लगता है उससे पहले यानी कि कल, तो हम कोशिश कर लेंगे, या फिर अतुल को चक्कर लगता है तो वो लेकर के आएगा। सो यही कारण है अभी तक शेफाली जो नहीं है और नहीं दिख रही, और हम भी एक्चुअली उसे मिस कर रहे हैं घर में। क्योंकि जब मतलब वो ऑब्वियसली फैमिली का पार्ट है, तो जब वो यहाँ रहती है तो उसकी भी अपनी एक जो है वाइब्स होती हैं, तो वो हम लोग घर में मिस कर रहे हैं। सो होपफुली जल्दी ही वो वापस आएगी और हम लोग फिर से उसको इन व्लॉग्स में देखेंगे। चलिए जैसे ही वो वापस आती है मैं मिलवाता हूँ आप लोगों को उससे, उसका एक रूम टूर भी करवाता हूँ। बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि उसका रूम टूर देखना चाह रहे हैं, सो उसका रूम टूर भी दिखाता हूँ एक बार वो आ जाए। फिर लोगों को जो है बेहद पसंद है WWE, और WWE में लड़ने वाले जाइंट्स को कौन भूल सकता है, जैसे कि द बिग शो, आंद्रे द जाइंट, जाइंट गोंजाल्वेज, और हमारे खुद के दिलीप सिंह यानी कि द ग्रेट खली। बहुत बहुत लंबे लंबे लोग जो है WWE के लिए ऑलरेडी लड़ चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, उसके अकॉर्डिंगली जो दुनिया के अब तक सबसे लंबे ऊंचे जो इंसान थे वो थे अमेरिकन जाइंट रॉबर्ट वॉडलो नाम था उनका, और वो 1918 से 1940 तक जिए थे। और जो उनकी हाइट थी वो थी 8 फुट 11 इंच, यानी कि ऑलमोस्ट 9 फीट के थे वो, और आई गेस उन 11 इंच जो 8 फीट के ऊपर थे उसमें से 4-5 इंच मुझे दे थे, तो मेरी हाइट भी थोड़ी ठीक ठाक हो जाती। चलिए जोक्स अपार्ट, जो उनका ये जो हाइट थी वो एक एबनॉर्मिटी थी उनके साथ, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है उसके साथ उनको कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके कारण जो उनका जो हाइट है वो बढ़ता जा रहा था, और इवेंचुअली वो झाकर के रुका 8 फीट 11 इंच पे। आप लोगों में से कुछ लोग अवश्य इस फैक्ट को जानते होंगे, तो जो लोग जानते हैं वो लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बाकी जिन्हें नहीं पता वो बता सकते हैं कि उनको कैसा लगा आज का ये फन फैक्ट। और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो दे सकते हैं थम्स अप, और
कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं, करते हैं कुछ रिकॉर्ड, और मिलते हैं मोस्ट प्रॉबली चाचा जी के घर जाकर के बरखा और रोजी से, और उनके लिए भी कुछ चलो कल करते हैं, मतलब कल कुछ एक्टिविटीज करते हैं उनके साथ। तो कल के वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ रहें, जबरदस्त हैं, और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।